ये बालक बुद्धि नहीं है, मोदी बालक बुद्धि से डर गया, मोदी जी की खुद ही बुद्धि घास चरने गई है। कहीं कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं आवाज उठाती हैं तो सुनवाई नहीं करते हैं। कि बेटी पटाओ और बेटी बर्बाद करो वाला नारा दिया है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, तेल बिक गई, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब तुक देखते अपने नेटी जड्डा। उनकी बीवी तो उनकी फैन नहीं है, तो महिला कहाँ से उनकी फैन होंगी। महिला शोषण किए हैं, बच्चों को पढ़ाई बंद करके सड़क पे रोड पे ला दिए हैं और देश बेच रहे हैं। दोबारा आएंगे, 10 बार आएंगे, जब तक जिंदगी दी है भगवान ने, जब तक मोदी को हटा करके रहेंगे। 5 किलो राशन तो 60 चढ़ जाते हैं, 60 दिन छुड़वाए। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार। आपके साथ उदेष्टा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूद की हमारी जंतर मंतर पर लगातार यहाँ पर तमाम राज्यों से आई हुई महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला आरक्षण बिल जो पास होना था उसे 1 साल हो गए पर अभी तक संसद में उस महिला आरक्षण बिल को पास नहीं किया गया है। और बात करें महंगाई की और महिलाओं की सुरक्षा की तो उसको मद्देनजर रख के यहाँ पर तमाम राज्यों से महिलाएं जो है मांग कर रही है कि हमारा महिला आरक्षण बिल भी दीजिए और हमें सुरक्षा और महंगाई को कम कीजिए। लगातार देखिए सरकार में जिस तरीके से बेटियों पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तमाम महिलाएं जुड़ी हुई है। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताइए कहाँ से आए आप लोग। जी आपको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जौनपुर जिले से रेखा सिंह, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। ये भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया आप बता सकती हैं? आप बता सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। नहीं नहीं सुरक्षित है बेटिया, कहाँ सुरक्षित है फिर? बिल्कुल, अरे हमारे कांग्रेस सरकार में बहुत सुरक्षित थी, हर काम था। आज उन्होंने नया काम का किया, नया काम कोई किया नहीं किया, नया काम कोई नहीं किया। मतलब बताइए ना आपको 10 साल में कह रहे हैं कि हमने इतना विकास करा है, हर वर्ग का, महिलाओं का, हर किसी का विकास हो रहा है। वो कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन तो पहले लागू हुआ था। ठीक, 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं 80 करोड़। अरे भाई राशन तो 60 चढ़ जाते हैं, 5 किलो राशन तो 60 चढ़ जाते हैं, 60 दिन छुड़वाए क्या है रे? पूरे महीने भर खा लेंगे और जो नात रिश्तेदार वगैरह जाएंगे क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? 5 किलो राशन एक महीने, 5 किलो राशन प्रधानमंत्री कभी नहीं एक महीने खाएंगे। अच्छा। वो अपना खुद देख लें। हाँ। और हाँ 4-5 काम किए हैं वो अपने राज्य में। हाँ। क्या किए हैं सुनिए, महिला शोषण किए हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ाई बंद करके सड़क पे रोड पे ला दिए हैं और देश बेच रहे हैं और महिलाओं को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को बलात्कार करवा रहे हैं, गुंडा राज फैला रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। और हमारी कांग्रेस सरकार पहले बनाई थी, जो जो कांग्रेस सरकार बनाई है वही मोदी बेच रहे हैं। कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार हुआ इतना, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, थोड़ा सा कभी नहीं हुआ था। हाँ। उनके राज में कभी नहीं महिलाएं सुरक्षित थी। हाँ। लेकिन जब से इनकी सरकार, बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, तेल बिक गई, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब तुक देखते अपने नेटी जड्डा। कहाँ बेच दिया? देश का विकास हो रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। नहीं 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 सब बेच दिया, सब बेच दिया। कहते हैं महिला सुरक्षित, गो अपनी महिला को सुरक्षा नहीं दे सके हम बहनों को क्या देंगे? क्या देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा फेल हो गया क्या? हर जगह जगह बेटियों का रेप हो रहा है, कहाँ ऐसे बताइए कि बेटी एक्शन भी हो रहा है। मोदी जी तुरंत एक्शन वाला नारा दिया है कि बेटी पटाओ और बेटी बर्बाद करो वाला नारा दिया है। ये थोड़ी नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इस बात पे नारा दिया है उन्होंने कि बेटी पटाओ और बेटियों का भविष्य चौपट करो। जी मैं मध्य प्रदेश से महिला कांग्रेस के प्रदेश सचिव हूँ। हम लोग आज यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आए हुए हैं, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल पारित किया था, लेकिन अभी तक 33% महिला आरक्षण को उन्होंने लागू नहीं किया है। बढ़ती हुई महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं और सबसे अहम है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम मणिपुर में देखें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा गड़ा दिया जा रहा है। आज ये जो सरकार है वो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है, इसलिए आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई निश्चित एक वो बनाएं, कानून बनाएं और महंगाई को कम करें और 33% जो आरक्षण है उसको लागू करें।
क्या लग रहा है, आप सुबह 10 बजे से यहाँ पर इकट्ठा हुई, आगे आपको संसद का घेराव नहीं करने दिया जा रहा, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपके? दोबारा आएंगे, 10 बार आएंगे, जब तक जिंदगी दी है भगवान ने, जब तक मोदी को हटा करके रहेंगे। इसी बार तो सरकार बना ली फिर मोदी जी ने, अभी बना ली है, अभी बना ली है। जब हम लोग जो है विरोध करेंगे किसी चीज को, मतलब अपने उसमें लागू करेंगे तो कैसे सरकार चलेगी, कैसे सरकार चलेगी? सरकार को या तो फिर हमारी मांगे माननी पड़ेगी, या तो फिर सरकार तो चलना चाहती है, विपक्ष लोग ही जो है संसद में हंगामा कर रहे लगे। जब विपक्ष लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, बेटियां बेचने का काम करेंगे, देश, अरे यही सत्ता में जो सरकार बैठी है, जो निकम्मी मोदी सरकार, और जो है तो यूपी में जो सरकार में जो मणिपुर में हो रहा है, तो ये बेटियां बेचने से क्या, तो उससे भी बदतर काम हुए हैं, उससे भी बदतर काम हुए हैं। तो ऐसे ये सरकार बनाते रहेंगे, हम लोग बनने देंगे? अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, और आगे ये नहीं होगा तो हम और 10 बार आएंगे, आते जब तक गिरा नहीं देंगे तब तक आते रहेंगे। ऑनलाइन विरोध कर रहे हैं, वही महिलाएं तो मोदी जी की फैन है, महिलाएं मोदी जी की फैन, कहीं फैन नहीं है, कहीं फैन नहीं है, उनकी बीबी तो उनकी फैन नहीं है, तो महिलाएं कहाँ से उनकी फैन होंगी? अपनी फैन अपनी जी नहीं, हम फैन वैन नहीं है, क्यों फैन होंगे? जो देश बेच रहा है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है उनके नजरों में, अगर से महिलाओं की इज्जत होती तो आरक्षण पास करते कि नहीं पास करते? जो जो आज हम झुंझुना गया है महिलाओं के आरक्षण के नाम पे झुंझुना पकड़ाया गया है, महंगाई किस तरह चरम पर है, अगर राहुल गांधी जी आज महंगाई के मुद्दे पर संसद में आवाज उठाते हैं तो उनको जो है उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। किसानों के लिए अगर राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं तो उनको जो है दबाने का काम किया जा रहा है, हर मुद्दे पे उनको दबाने का काम किया जा रहा है। अभी देखिए कितने पेपर तो कहते हैं राहुल गांधी बालक बुद्धि है, बालक बुद्धि है, उनको अभी बालक बुद्धि दिख रहे हैं, मोदी जी की खुद ही बुद्धि घास चरने गई है। अच्छा। हाँ, वो तो बेईमानी से किस तरीके से निकल जाए, उन्होंने तो नारा दिया था ना 400 अब की बार 400 पार, क्या हुआ 400 पार का, क्या हुआ 400 पार का? 240 तो आ गए, अरे 240 तो क्या होता है, 240 400 के आगे 240 क्या होता है, क्या होता है? अगर से अरे सरकार ने, अगर से एक पाया हट जाएगा तो मोदी की सरकार तो अभी भी मतलब ध्वस्त पाएगी, जो जो नीतीश को शामिल करके बनाया हुआ है, तो बोल चुके हैं ना अपनी पलटू, अरे अरे बोलने में और करने में बहुत वो होता है, जब उनकी भी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या है, कभी भी जो है तो पलट जाएंगे। अच्छा। यहाँ रोड पर नहीं आती। अच्छा। आज अगर मोदी किए होते तो यहाँ नहीं आती, क्या वो सुन नहीं रहे हैं? वो सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन अनदेखा कर रहे हैं, कहीं कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं आवाज उठाती हैं तो सुनवाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। अरे पहले से ज्यादा जो है जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, अब कम हो गया है, कहीं ना कहीं रेशियो घट गया है उसका, कहीं ना सारे राज्यों से इतनी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं सारे राज्यों से, अगर से हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग अपना घर बार छोड़ करके यहीं धरना रखेंगे। अच्छा जी, सब ने तय कर लिया, सारी महिलाओं, और महिलाओं को छोड़ करके आप सोचोगे तो देश चला लेंगे, कभी नहीं देश चला पाओगे, कभी नहीं, के हाथ में देश सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है देश, क्या सुरक्षित है, उनकी उनकी घरवाली सुरक्षित नहीं है तो देश क्या सुरक्षित होगा? और महिलाओं से आबादी को दरकिनार कर देगा, वो देश में राज नहीं कर पाएगा। पर 140 करोड़ जनसंख्या तो मोदी जी को प्यार करती है, कहीं नहीं प्यार करती है। आज देखिए संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये केवल सरकार तानाशाही में अवतारू है, ये लोगों के ऊपर गुंडा राज जंगल राज बना के रख दिए हैं, कोई आवाज अगर उठाता है तो दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोग यहाँ 33% आरक्षण जो हमारी मनमोहन सरकार ने लागू किया था ना, तो उसको मोदी जी ने अभी 2023 में बोल तो दिया लेकिन लागू नहीं करा। और महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है ना तो मोदी जी बोलते नहीं है, मतलब ऐसे मुंह बंद कर लेते कि जवाब ही नहीं देना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश की खिलाड़ी, जब सम्मान वापस कर रही थी, अपने मेडल वापस कर रही थी, तो मोदी जी ने उनको मनाने का काम नहीं किया, और जहां वो प्रताड़ित थी मोदी जी ने वो नहीं सुना। अभी मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है कि दो महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया गया, और एक महिला पार्षद को, एक महिला इनके भाजपा के लोगों ने इतना प्रताड़ित करा
मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई, सबको पता होगा। तो मोदी जी महिलाओं पे क्यों नहीं बोलते थे, हम लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि जो वो कहते हैं वो नहीं करते। 15 लाख आएंगे कभी नहीं आए हैं, और भी जितने भी वादे करते हैं वो सभी ज्यादातर झूठे निकलते हैं, क्योंकि आईडिया भी दिखा था भारत का संविधान की ये कॉपी लेके आई है, क्या दिखाना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। मेरा मामी इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे संविधान को बचवाने के लिए, क्योंकि मोदी की जो तानाशाही है वो सबको ध्वस्त करने की है। केवल जो उसने चक्रव्यूह रच रखे हैं, जो आज राहुल जी ने कहा, राहुल जी को बोला नहीं जाने दिया संसद में, बालक बुद्धि है मोदी जी उनको, वो बालक बुद्धि है, वो इतना बड़े बालक बुद्धि है, ये बालक बुद्धि नहीं है, मोदी बालक बुद्धि से डर गया। अभी अभी देख रहा बालक बुद्धि देश का राजा बनेगा, देश का पीएम बनेगा, चुप कराता हमको। अभी भी लाइव आप देख रहे हो, दिया 280 पे समझा दिया मोदी जो, मोदी जी जो है वो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी खुद डर गए, विपक्ष से डर गए हैं। 290 पे सिमटा दिया मोदी, अब जो है अपनी 240 पे पहुंच गया, और अब जो है वो लेकर के बैसाखियां लेकर के अपनी सरकार चला रहे हैं, जो मोदी जी 400 पार कर रहे थे, और आज हम आए हुए हैं अपना अधिकार लेने के लिए महिलाओं का। उन्होंने महिलाओं को क्या सुरक्षा दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कह कह के जुमले दे दे करके गिर जाएगी। दो पार्टियों का सरकार उन्होंने समर्थन लेके बनी है। आप ये बताइए, अगर मोदी लहर होती तो राम मंदिर में आज भी आप देखो पानी का मंदिर में पानी आ रहा है, क्या क्यों आ रही, जो राम मंदिर का गाना गा रहे थे हमने राम ना उन्होंने किया, आज यूपी के सारे सबसे बड़ा बलात्कार होके आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। आप ये बताइए, अभी 2-3 दिन गांधी संसद क्यों नहीं चल रही, राहुल गांधी संसद चल रहे हैं, राहुल गांधी जो है जनता आवाज उठा रहे हैं, वो जो जो मिडिल क्लास की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं के लिए उठा रहे हैं, किसानों के लिए उठा रहे हैं, वो हर दर्जे के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों दबाया जा रहा है उनकी आवाज, उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, उनकी आवाज को रोका जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अभिमन्यु अकेला है, और आज हम अपने अभिमन्यु के साथ अपने बब्बर शेर के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी को जो दबाया जा रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव से तमाम राज्यों से महिला आई थी, वही महिला आरक्षण बिल को लेकर जो 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि महिला आरक्षण 33% दिया जाएगा, हालांकि एक साल हो चुका है इस बात को, पर अभी तक ये विधेयक ना संसद में इसका मुद्दा उठाया गया है ना इसे पास किया गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये महिलाएं तमाम राज्यों से आई थी कि इसे पास किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया जाए, और जिस तरीके से महंगाई लगातार हो रही है उस पर भी कम से कम राहत तो महिलाओं को मिले। जिस तरीके से आपने देखा कि खाने पीने की चीजें और सिलेंडर के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं महिलाओं की रसोई पर बेहद कड़ा असर पड़ रहा है। आगे देखना क्या होगा कि क्या महिला आरक्षण बिल पर कोई कार्रवाई होगी, पास होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे हैं NCR समाचार।